तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर। जी हाँ, एसक्यूएल सर्वर आज का हमारा टॉपिक है और एसक्यूएल सर्वर में हम डेटा हैंडलिंग में आज पढ़ेंगे कि एसक्यूएल सर्वर में हम डेटा को कैसे हैंडल करें। तो हमने इसको कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद ये हमारा सर्वर कनेक्ट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट आ गया तो वरना आपको सिलेक्ट कर ले, और कैसे सिलेक्ट करना है ये मैं बताया था आपको। जी डेटा है तो यहाँ हमारा डेटाबेस में हम बात करें तो मेरे पास कई सारे डेटाबेसेस मैंने बनाए हुए हैं, इसी में हमारे पास टेबल्स भी कई सारे हैं और टेबल्स में डेटा है। और जैसे कि हमने बताया था किसी भी डेटा, मान लीजिए कोई टेबल है, मान लीजिए यही आपका ई डेटा का टेबल है, अब मुझे इसके डेटा को देखना है तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट टॉप 100, तो ये आपका एक क्यूरी एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक्सक्यूएल सर्वर में कुछ भी होता है तो क्यूरी के थ्रू होता है। अगर ग्राफिकली करते हो तो क्यूरी को देखिए, यहाँ देखिए आपको क्यूरी वन, इसने क्यूरी को एक्सक्यूट कर दिया। समझ गया जी। अब मान लीजिए मुझे इसको किसी तरह की एंट्री करनी है तो राइट क्लिक करना है और यहाँ टॉप एडिट टॉप 2000 दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करते हैं। इसने ये क्या करना है कि इसकी एडिट मोड इंसर्ट क्यूरी को एक्टिव कर देगा। तो ग्राफिकली होता है बट हम क्यूरी कनेक्शन भी इसको कर सकते हैं। समझ गया जी। अब बात करते हैं इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए। अब यहां पे देखिए सिलेक्ट में स्टॉक 1000 है पर डेटा हो सकता है लाखों में। जी नहीं, जरूरी नहीं कि टॉप 1000 हो, इसको डिलीट करके वापस आप एक्सक्यूट कर सकते हैं। एक मिनट जाइए अभी इसका प्रोसेस कंप्लीट करूँ। ये रहा, यहाँ से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन 200 तक का ही आपको यहाँ दिख रहा है, उससे ज्यादा है करने के लिए हम लोगों का अलग एक ऑप्शन है, इंसर्ट क्यूडी, उसके थ्रू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये टॉप 1000 है तो आप यहाँ से 1000 को टॉप 1000 को डिलीट कर दीजिए। ओके, अब यहां को एक्सक्यूट करें। अब इसमें टॉप 1000 नहीं रहा। दूसरा, मान लीजिए मुझे डेटा इसको एक्सपोर्ट करना है। देखिए ये आपका क्यूरी टैब ऊपर दिखता है, जैसे यहाँ पे आपका ये आपका डेटाबेस है कि आप क्यूरी किस डेटाबेस में रन कर रहे हैं। और डेटाबेस में रन करना है तो यहाँ से डेटाबेस को आप चेंज कर सकते हैं, इस पे हम बाद में आते हैं। ये आपके एग्जीक्यूट हो गया F5, ये आपका कंट्रोल F5। पार्सेस मतलब कि आपको 1 by 1 रन करना है, या फिर बीच में फर्स्ट गया तो उसको यहाँ से स्टॉप होता है, कैंसिल होता है या स्टॉप होता है, मतलब बीच में कहीं एरर आ गया, आपने एरर को चेंज किया तो फिर इसमें क्लिक करोगे तो फिर बची जो लाइन बची हुई है उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो बाकी ये है आपका क्यूरी ऑप्शंस है, ये आपका क्यूरी ऑप्शंस आता है, इसके भी हम बाद में बात करेंगे, ये फिलहाल इसको करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट टू टेक्स्ट लिखा है आपको, रिजल्ट टू टेक्स्ट, ये आपका रिजल्ट जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में आप दिख रहा है, इसलिए इसमें आपका आता है रिजल्ट। रीड में क्या होता है, इसमें रीड लाइनिंग लग जाती है। इसके बाद यहाँ आता है रिजल्ट टू फाइल, इस पर क्लिक करेंगे हम तो इसको रन करना होता है, अभी यहाँ नहीं दिख रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आप रिजल्ट टू टेक्स्ट कर लिया तो अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है जी। रिजल्ट टू ग्रिड कर दिया फिर एक्सक्यूट किया तो ये आपका ग्रिड फॉर्मेट में आ रहा है। फिर आता है रिजल्ट टू फाइल, हमें इसको एक्सक्यूट कर रहा हूं तो आपको बोल रहा है आरबीटी फाइल रिपोर्ट फाइल सेव करने का, आपको यह बता रहा है कि आपको सेव कीजिए जहां सेव कर। तो इस तरह से आप रिपोर्ट डेटा को स्टैक कर दो। लेकिन हम डेटा को सिंपली कॉपी भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट कर सकते हो और राइट क्लिक करके यहां से आप कॉपी कर सकते हो।
कॉपी विथ हेडर्स दिख रहा है आपके जी। उसके बाद इसको जहां पे पेस्ट करना है आप वहां पे उसको पेस्ट करना, समझ गए? तो डाउनलोड से अच्छा यही होता है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है। मान लीजिए कि आपके 10 लाख रो ही है ना आपके पास, इससे बड़ा डेटा हुआ तो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या होता है, क्लिपबोर्ड की मेमोरी की भी एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट से वो आगे नहीं जा सकता जी। जब हम कॉपी करते हैं तो कहां से होता है, क्लिपबोर्ड से होता है, लेकिन क्लिपबोर्ड की भी लिमिटेशन है ना सर जी। हाँ, मान लीजिए इसमें से किसी कॉलम को नहीं चाहिए, मैं इसमें से अमाउंट इसको नहीं चाहता हूँ, मोबाइल नंबर में नहीं रखना चाहता, लाइन को मैं डिलीट करके और फिर एग्जीक्यूट कर दूंगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सर। इसमें देखिए मोबाइल नंबर नहीं है जी। हाँ, यहां से आप डेटा को सिलेक्ट करके इसका हैंडल आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे कॉलम्स हैं, ये आपको दिख रहा है कॉलम्स, पूरे की पूरी कॉलम्स लिस्ट है, यही देख सकते हैं। इसी कॉलम को डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, आप डेटाबेस में इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई की डिफाइंड नहीं है, जैसे दिक्कत है अगर आप मोबाइल नंबर का कोई जो है उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि राइट क्लिक करके। यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि डेटा टेबल बनाते समय ही आप चेंज करें, उसके अलावा कहीं चेंज ना करें, सो बेटर है जी। जी, तो मैं तो लास्ट क्लास में याद होगा अपेंड क्यूरी के बारे में। हाँ जी, जैसे कि हमने इस पे मैं तो क्लोज करता हूँ, मैं राइट किसी डेटा पर राइट क्लिक किया और अपडेट कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें से कुछ डेटा एडिट करना है, जैसे कुछ डेटा अपेंड करने, मतलब कि इसकी कुछ और डेटा है जो कि मुझे इसमें रिसीव करना है। तो लास्ट क्लास में जो अपेंड वाला सिस्टम था उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, याद होगा जी। इसमें हम एक बेटर तरीका आपको हम बता रहे हैं, सबसे बेटर तरीका कि एक्सेल से कैसे इसको लेके जा सकते हैं। मैं ऐसे ही कर दिया सर, ठीक है। यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, सिलेक्ट के लिए तो हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में जाना है और पूरा का पूरा रो सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। इसमें कंट्रोल पी कर दी, कंट्रोल वी सॉरी, पेस्ट का जो सिस्टम होता है वो पेस्ट, वो आपका पेस्ट हो गया। अगस्त आ गया डेटा पेस्ट हो गया आपने, तीन वगैरह भी कॉपी कर लिया था, आपका नेम का सिस्टम आया तो मैं इसको सिलेक्ट करके यही इसको डिलीट कर दूंगा। तो आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी किसी भी रिकॉर्ड, तो क्या करना है, कॉपी करना है और पूरे लाइन, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सीक्वेंस आपका यहाँ है वही सीक्वेंस यहाँ भी होना चाहिए, डेटा टाइप है वो भी डेटा टाइप होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे माना नंबर डिफाइन है, तो आप टेक्स्ट डाल दें या कुछ और डाल दें, ठीक है सर? ठीक है, आ गया, कोई डाउट तो इसमें नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ मेनू बार है, एक बार मेनू बार को समझ लेते हैं, ऐसे ओवरव्यू फिर डिटेल में हम आपको आगे समझाएंगे। फाइल मेनू बार में जाते हैं आपके पास, सबसे पहले आता है कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, मतलब कि यहाँ आप डेटा बेस को कनेक्ट करने का एक्सप्लोरर होता है, आप यहाँ से ला सकते हो। मान लीजिए ना कि आपने डेटाबेस की कनेक्ट किया और गलती से बंद हो गया, तो वापस लाने के लिए एक तो ऑप्शन यहाँ है कि यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं जी, इसमें डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से,
इसको भी। अब मैं कैसे कनेक्ट करूं, तो यहां से कनेक्ट कर सकते हैं या फाइल मेनू बार में आप यहां से कनेक्टिविटी लेकर आ सकते हैं। ओके जी। उसके बाद यहां पे न्यू, जैसे कि आपके पास एसक्यूएल सर्वर का नया कोई न्यू प्रोजेक्ट है या कोई फाइल है या कोई क्यूरी है, वो यहां से आप ओपन कर सकते हो। अब लोग इसे न्यू मतलब समझा नहीं, जैसे कि मैंने यहीं पे एक सिस्टम बताता हूँ आपको, मैं राइट क्लिक किया यहाँ पे टेबल पे आता हूँ और मैंने यहीं पे राइट क्लिक करके हमने बोल दिया सिलेक्ट फाइल, ठीक है। अब मैं इसको सेव, सॉरी सिलेक्ट थाउजेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये तो इसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ से मोबाइल को हटा दिया, फिर इस किस्मती को रन किया। अब जैसे इसको क्लोज करूंगा मुझसे पूछेगा डू वांट टू सेव, मैंने यस कर दिया तो लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट में क्यूवी एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो में आपको ये सेव हो रहा है क्यूवी थ्री के नाम से। अब मैं मान लीजिए कि मैंने यहां से फाइल में गया और यहां से मैं ओपन किया, ठीक है जी, ओपन किया फ्रॉम प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, तो मेरा डेटाबेस को कनेक्ट कर लीजिए, सर्वर कनेक्ट कर लीजिए। अब यहीं से आप न्यू प्रोजेक्ट कोई फाइल या क्यूरी वगैरह बना सकते हैं या फिर प्रीवियस यहाँ पे प्रोजेक्ट सॉल्यूशन या जो भी क्यूरी उसको ओपन कर सकते हैं। फाइल कर दिया क्यूरी थ्री आपको दिख गया, मैंने इसको ओपन कर दिया, तो अगली बार मुझे क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको मैं इसको स्किप कर दूंगा। अगर डेटा सर डन सर, तो आपको मान लीजिए एक ही डेटा को बार बार करना है तो इसकी जरूरत नहीं, आप नहीं इसी तरह से इसको कर सकते हैं। ओके और एक्सेल में भी इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है आगे बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद आप नया क्रिएट कर सकते हैं या प्रीवियस को ओपन कर सकते हो, ऐड में आए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट या एजिंग प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो, तो इसमें बना बनाया प्रोजेक्ट है आपका, इसमें आपका पूरा डेटाबेस और सब कुछ आप डिजाइन किए हुए हो, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, सोल्यूशन क्लोज कर सकते हो, क्यूरी क्लोज कर सकते हो या सेव कर सकते हो, सबको सेव कर सकते हो, इसको ब्राउजर पे देख सकते हो कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं ब्राउजर पर देखने लायक, जैसे कि देख सकते हो पेज सेटअप वगैरह और रिसेंट फाइल जो भी आपने ओपन की है एसक्यूएल सॉल्यूशन की और एसक्यूएल की भी आपको यहाँ देखिएगा, एग्जिट से आप डेटाबेस को एग्जिट कर सकते हो। ओके एडिट में अगर आते हैं तो एडिट में तो कुछ खास नहीं, गो टू लाइन, किसी लाइन पे मैं मुझे एक पर्टिकुलर लाइन पे जाना, क्योंकि अभी तो जो पांच सात क्यूरी लिखे ना आगे चलते बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कहीं पे हमने मान लीजिए कुछ वर्ड गलत लिखे हैं, जहां जहां गलत लिखे वहां वहां फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट लिखे डिलीट नॉर्मल चीजें हैं जो आप खुद खुद भी कर सकते हो। व्यू में कोई अगर कोई टूल बॉक्स या किसी तरह का ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर नहीं दिख रहा है वहां से आप ला सकते हो, और ये आपका क्यूरी के ऊपर है तो जो आप क्यूरी लाइन यहाँ दिख रहा है ना वही चीज आपको यहाँ पे सारा दिख रहा है, जो मैं थोड़ा पहले आपको समझाया, ठीक है सर? ठीक है, एक बार अपने हिसाब से इसको देख लीजिए फिर आगे हम इस पे बात करेंगे। जैसे हम आपका देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट व्यू जो है आपको मैं पढ़ा दिया हुआ है और हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम क्यूरी राइट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट राइट किया हुआ क्यूरी आ गया, इसमें कंडीशंस नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे जीएसटी खुद से कैलकुलेट करना हो तो वो सब चीजें हैं, तो वो चीजें हम एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज के जरिए सीखेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस एक बार अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है सर? ये लिंक भेज देना मुझे ना, ठीक है? जरूर। Okay, so thank you.